आइए हजरत, एक ऐसी शख्सियत फिर आवाज दे रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत को जो आलिम दीन भी हैं, शायर अहले बैत भी हैं और बेहतरीन तरन्नुम का शायर, आलिम दीन भी और शायर अहले बैत भी, मगर वो कह रहे थे कि थोड़ा सा माहौल बना देना। हमने कहा आज पहली मरतबा इस पूरे 3 महीने के अंदर पहली मरतबा ऐसी महफिल मिली है जहाँ माहौल वाहौल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से माहौल बना ही हुआ है। मगर अब माहौल बनाने के लिए मैं शेर पढ़ ही रहा हूँ कि मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। भैया सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? सुनाई नहीं पड़ रहा है, शेर सुना रहा हूँ। मुझे ना हश्र तलक इस शिकस्त का शेर सुना रहा हूँ, शोरा इकराम उलमा इकराम की मौजूदगी में इधर के मजमे तक, मगर भैया वो फुहारा ना छोड़ना, शेर सुना रहा हूँ। मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, मुझे हुसैन का अब्बास मार डाले। ताकत लगा रहा पूरी, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाना भैया, समझ के बोले। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर अब नहीं कोई बोला, अगर सोच रहा है कि बहुत अच्छा शेर आएगा तब बोलूंगा, तो उसके नस्बत पर मैं हैरत करूंगा कि आप ना बोले। पूरी ताकत लगा रहा हूँ, खून जिगर से शेर पढ़ रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मैं अपनी हर महफिल को जिंदगी की आखिरी महफिल समझ के निजामत करता हूँ। मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। अली के शेर को हमला था या कयामत थी, ये लग रहा था जमी खून में डूब जाएगी। लाइन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला रहा है। अली भी है, हैदर भी है, सुल्तानपुरी भी है, मैं इस कर रहा हूँ, मगर हुसैनियत जिंदाबाद कौन कौन नारा लगा रहा था, जिंदाबाद कौन कौन कह रहा था, हाथ उठा दे कौन, किसने किसने कहा हुसैनियत पे जिंदाबाद, किसने किसने कहा? नहीं, बहुत से लोगों ने नहीं हाथ उठाया, इसके मतलब मैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ, वो शख्स मर नहीं सकता कसम शहादत की जो कह रहा है शहे मशरकैन जिंदाबाद है। कुछ यजीद के हामी भी जमाने में हर एक कह नहीं सकता हुसैन। अली अली हैदर सुल्तानपुरी जो किसी महफिल में किसी मकाम पर मोहताज तारुफ नहीं है। जनाब यासिर साहब बहुत पीछे जाके बैठ गए हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं आमिर भाई, मेरे छोटे भाई हैं, मगर ये आते तो अगर पीछे बैठे तो मैं ना बुलाता, मगर यासिर साहब पीछे बैठ गए हैं इसलिए मैं बुला रहा हूँ, बराए करम तशरीफ़ लाए डाइस पर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अली हैदर सुल्तानपुरी साहब से कि वो तशरीफ लाए, नारे सलवा से इस्तकबाल करें। हैदर के इश्क में कभी ऐसा नहीं हुआ, हैदर के इश्क में कभी ऐसा नहीं हुआ। दीवाने अली कभी रुसव
हुआ नहीं हुआ। शेर बतौर खास मुलादा फरमाएंगे हजरत, हैदर के इश्क में कभी ऐसा नहीं हुआ, दीवाना अली कभी रुसवा नहीं हुआ। शेर बतौर खास मुलादा फरमाएंगे के रिश्ता अली की जात से जिसका नहीं हुआ, रिश्ता अली की जात से जिसका नहीं हुआ, गुर्बत में उस बशर के उजाला नहीं हुआ, गुर्बत में उस बशर के उजाला नहीं हुआ। फरमाएंगे कि तुर्बत में उस बशर के उजाला नहीं हुआ। शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे कि कुछ इस कदर यकीन था मौला के कौल पर, कदर यकीन था मौला के कौल पर, कुछ इस कदर यकीन था मौला के कौल पर, कुछ इस कदर यकीन था मौला के कौल पर, मीसम से दार पर भी तकैया नहीं हुआ, दार पर भी तकैया नहीं हुआ। कुछ इस कदर यकीन था, कुछ इस कदर यकीन था मौला के कौल पर, मीसम से दार पर भी तकैया नहीं हुआ। इस सिलसिले का आखिरी जनाबे खुद के हवाले से बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे, बेटा भाई मुलाजा फरमाएंगे कि कुछ इस कदर यकीन था मौला के कौल पर, मीसम से दार पर भी तकैया नहीं हुआ, के हुर का जमीर बोला जला मिल न पाएगी, फातिमा जहरा नहीं हुआ, घर तेरा में फातिमा जहरा नहीं हुआ। नया सलवात पढ़े हजरत, अय्याम अज़ा करीब है, चार मिसरे मुलाकात कि जो ताजिया और मशको अलम रख नहीं सकते, शब्बीर की जन्नत में कदम रख नहीं सकते। शेर बतौर खास, जो ताजिया और मशको अलम रख नहीं सकते, शब्बीर की जन्नत में कदम रख नहीं सकते, के जिन लोगों की रग रग में नजस खून रवा है, जिन लोगों की रग रग में नजस खून रवा है, दिल में कभी शब्बीर का गम रख नहीं सकते, दिल में कभी शब्बीर का गम रख।
यहाँ से चल रहा बता रहे कि खुश हो गई बुतूल तो राजी खुदा हुआ शेर बतौर खास मुलादा फरमाएंगे शुक्रिया आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं कि खुश हो गई बुतूल तो राजी खुदा हुआ परवाह नहीं है मुझसे जमाना खफा हुआ खुश हो गई बुतूल तो राजी खुदा हुआ परवाह नहीं है मुझसे जमाना खफा हुआ तीसरा चौथा तीसरा पता खास बुलाना फरमाएंगे कि परवाह नहीं है मुझसे जमाना खफा हुआ के बुगज़े अली मैं जिसका भी सजदा हुआ बुगज़े अली मैं जिसका भी सजदा हुआ उसने चराग पाया है लेकिन बुझा अदा हुआ उसने चराग पाया है लेकिन बुझा हुआ नारे सलवात पढ़े हजरात सजदादा हुआ उसने चराग पाया है लेकिन बुझा हुआ ये विषय बतौर खास मुलादा फरमाएंगे कि हुर करबला के बाद अलैह सलाम है हुर करबला के बाद अलैहि सलाम है वो मोहतरम है जब से करम शाह का हुआ हुर करबला के बाद अलैहि सलाम है वो मोहतरम है जब से करम शाह का हुआ शेर बतौर खास मुलादा फरमाएंगे के शबीर मुतमईन है तहे खंजर सितम और जुल्म कांपता है गला काटता हुआ और जुल्म कांपता है गला काटता